फ्रेंड्स नमस्कार, और सभी लोग कैसे हो? और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग की दुनिया में स्वागत है। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस समय गर्मी यहाँ बहुत तेज़ होने लगी हैं, बाहर आने जाने में आप लोग भी सेफ्टी बरतिएगा। और मैं अभी जस्ट बैंक से आकर बैठी हूँ, बैंक गई थी, मेरा एक अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैंने उसमें 2 सालों से कोरोना टाइम में, मतलब मैंने उसमें ना कुछ सेविंग्स की ना मैंने कुछ उससे निकाला, तो इसलिए वो फ्रीज हो गया था। तो उसको अपडेट कराने के लिए मैं बैंक गई हुई थी, लेकिन बैंक में मैं KYC फॉर्म लेकर चली आई हूँ, क्योंकि मैं एक भी पिक नहीं ले गई थी अपनी, और ना कोई ID लेकर गई थी जिसकी उसमें जीरोक्स कॉपी लगनी है। तो मैं उसको आज शाम को सब प्रिपेयर करके कल से फिर जाऊँगी बैंक में। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे भतीजे की, मेरा छोटा सा भतीजा है अभी ओनली 4 मंथ, केसू नाम है उसका, उसकी अचानक से बहुत तेज़ धूप लगने से की वजह से उसको फीवर आ गया, फीवर से उसको डायरिया हो गया और उसको मतलब एडमिट कराना पड़ा है। कल शाम में उसको देखने के लिए गई थी तो ठीक था थोड़ा सा, लेकिन अभी भी वो एडमिट है। आई होप आज शाम तक उसको छुट्टी मिल जाएगी। तो उसको डायरिया हो गया था तो उसको इतनी पोटी आ रही थी इतनी ज़्यादा कि, और डॉक्टर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इतना छोटा सा बच्चा, बोल रहे थे उसको पानी पिलाइए बहुत ज़्यादा, तो वो पानी भी नहीं पी पा रहा था। कैसे पिएगा इतना छोटा सा बच्चा पानी, एक दो स्पून से ज़्यादा नहीं पी सकता था, तो इसलिए उसको एडमिट कराना पड़ा। तो अब वो थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं। कल जब मैं गई थी तो पहले तो वो सो रहा था काफ़ी देर, फिर उसको मैंने जगाया हल्के हल्के हाथों से, तो वो फिर जागा थोड़ी देर से, मेरे साथ वो खेलता भी रहा। और जो गाँव में मुझे जिस शादी में जाना था ना, तो उस शादी में उसकी डेट थी 17 अप्रैल थी पहले, लेकिन वो 17 अप्रैल से आगे की तरफ उसकी डेट हो गई है, वो हो गई है शादी 14 अप्रैल को। और मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की उसकी, कोई भी तैयारी ना मैंने अपनी बैग पैकिंग करी, ना कुछ करी, ना बच्चों का कुछ किया है, यहाँ तक कि भी छोटी मोटी जो शॉपिंग करनी थी वो भी मैंने नहीं की है। तो देखते हैं अब क्या हो पाता है, जल्दी जल्दी मैं कैसे जा पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। वैसे जाऊँगी तो ज़रूर, मगर जो मैंने सोच रखा था शायद उस तरह से मैं नहीं रेडी हो पाऊँगी। तो बस ओनली सूट्स और जो थोड़ी सी पुरानी साड़ियाँ हैं मेरी, जो मैं पहनती नहीं हूँ, अगर कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं लेती ज़रूर हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है अभी, बस उनको आज निकालना है। और अभी बच्चे मेरे स्कूल से आए हैं तो उनको कुछ नाश्ता पानी दे दूँ, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन में लगती हूँ, बैग पैकिंग करती हूँ। और जब गाँव जाऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखलाऊँगी। ओके बाय।